हेडलाइन के प्रायोजक हैं एशप्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। दो दिवसीय दौरे पर 3 अक्टूबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गृह जनपद गोरखपुर में हो रहा आगमन, कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्य सचिव ने लिया मंडल में संचालित विकास कार्यों का जायजा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। अवैध शराब के कारोबार में लिप्त 4 अभियुक्तों को पुलिस ने मुठभेड़ में किया गिरफ्तार, 332 पेटी अवैध शराब बरामद, एसपी क्राइम और सीओ क्राइम ने किया खुलासा। सतत पुनर्वास शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष शिक्षकों के 5 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का डीएम ने किया शुभारंभ, कहा दिव्यांग बच्चों को दें व्यवहारिकता का ज्ञान। गोरखपुर विश्वविद्यालय के 37वें दीक्षांत समारोह में शिक्षक एक विशेष वेशभूषा में देंगे दिखाई, लोगो हुआ जारी। प्रतिबंधित पॉलिथीन पर जिला प्रशासन ने की कार्रवाई, लाखों के माल जब्त, सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा जारी रहेगा अभियान। गिरफ्तारी और स्थानांतरण की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी मोर्चा संगठन ने जारी रखा धरना, इंजीनियर संघ ने कहा कार्यालय सहायक मार्च में ही हो चुके हैं रिटायर। यूपी पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में पुलिस लाइन परिसर में की गई साफ सफाई, स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में स्वच्छता अभियान प्रकल्प कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया बैठक, मुख्य 6 बिंदुओं पर हुई चर्चा। महानगर कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में निकाली गई सांध्य फेरी, गांधी जी के विचारधाराओं पर चलने का दिया संदेश। विभिन्न मांगों को लेकर आंगनवाड़ी कर्मचारी एवं सहायिका एसोसिएशन ने दिया धरना, जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन। रेल से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने निकाली रैली, रेलवे महाप्रबंधक को प्रेषित किया मांग पत्र। कुलपति ने गोरखपुर विश्वविद्यालय अतिथि गृह के नव निर्मित स्वागत कक्ष का किया लोकार्पण। संभागीय परिवहन विभाग के तत्वावधान में 1 अक्टूबर से शुरू हुआ यातायात जागरूकता माह, लोगों को दी गई यातायात नियमों की जानकारी, किया गया जागरूक। और विश्वविद्यालय के शिक्षकों पर लगे मुकदमे को 72 घंटे में वापस न लेने पर संयुक्त मोर्चा ने गांधी प्रतिमा पर किया प्रदर्शन।